खबर मंदसौर जिले के गरोट से। गरोट पुलिस थाने की एनडीपीएस एक्ट में प्रभावी कार्रवाई, क्षेत्र के अफीम तस्कर को गरोट रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। 2 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ धराया आरोपी अफीम तस्कर मुकेश पिता बालाराम राठौर। अफीम का मूल्य 3,50,000। अफीम तस्कर ट्रेन के माध्यम से लुधियाना अफीम पहुंचा रहा था। एएसपी महेंद्र तारनेकर के निर्देशन में थाना प्रभारी शिवांशु मालवी ने की उक्त कार्रवाई। गरोट संवाददाता जीवन साकला की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ चौधरी साहब के द्वारा अभी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गरोट महेंद्र तारनेकर साहब और एसडीओपी परस्ते साहब के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। कल थाने के सहोनी अर्जुन परिहार को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो 20-22 साल की उम्र का है करीब, गरोट रेलवे स्टेशन से ट्रेन से बैठ करके दिल्ली तरफ जाने वाले रास्ते के लिए ट्रेन पर बैठने के लिए बैठा हुआ, इसके पास अवैध मादक पदार्थ अफीम है। मुखबिर सूचना पर विश्वास करते गए थे, जिस पर एक आरोपी मुकेश पिता बालाराम राठौर को 2 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा है। और इसके द्वारा बताया गया कि ये लुधियाना के पास किसी गांव के पास अफीम देने के लिए जा रहा था। कीमत कितनी हुई लगभग? 3,50,000 कीमत। कहाँ से ला रहा था आरोपी? ये इस चंदवासा के पास एक वर्नी गाँव है, उसका कमल सिंह से लाना बता रहा है।